नमस्कार। आज का प्रश्न है कि आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू उपचार के माध्यम से कौन कौन से रोगों का बचाव और उनका निवारण संभव है, अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन दीजिए। आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू उपचार के माध्यम से भावनात्मक रोगों का बचाव और उनका निवारण संभव है। दूसरा बिंदु, आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू उपचार के माध्यम से मानसिक रोग जैसे तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से बचाव और उनका निवारण भी संभव है। अब हम शरीर के रोगों के विषय में चर्चा करें तो आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू उपचार के माध्यम से शरीर में होने वाले रोग जैसे मधुमेह, गठिया, अपच, अजीर्ण, चर्म रोग, दमा, अस्थमा इत्यादि रोगों का सफल और संभावित उपाय किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त स्त्री रोग जैसे पांचपन, मासिक धर्म से संबंधित रोगों का निवारण संभव है। और पुरुष रोगों के लिए नपुंसकता, हस्तमैथुन, शीघ्र पतन और जोश की कमी जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू उपचार के प्रयोगों के साथ एक बड़ी शर्त होती है, और शर्त यह है कि आपको किसी भी बीमारी की प्राथमिक अवस्था में ही इन उपचारों को करना चाहिए, न कि जब बीमारी एकदम अंतिम अवस्था में हो और आप उपचार कर रहे हो तो लाभ नहीं मिल रहा, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए विनती है कि आप जिस भी रोग का इलाज करें प्राथमिक अवस्था में ही आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार का प्रयोग करें। मार्गदर्शन में